अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखे लाहौर स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अशोक। जिस तरह की क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और आज बड़ा अहम दिन था। आज पाकिस्तानी शायकी ने क्रिकेट सारा दिन इंतजार करते रहे। किस बात का इंतजार? वो इस बात का इंतजार करते रहे कि ना ही ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया और ना ही पाकिस्तान टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया। अब बड़ी जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो बड़े शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर रहा है और पाकिस्तान उसके जवाब में कौन सी प्लेइंग इलेवन। लगता है दोनों टीमें एक दूसरे से डरती हुई उन्होंने प्लेइंग इलेवन का ऐलान नहीं किया। वहां की जो विकेट है उसको देखते हुए हर टीम अपने जो प्लेइंग इलेवन का ऐलान करती थी, लेकिन पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान डर गया है? क्योंकि पिछले मैच में देखा गया कि दो रोज पहले ही हमने प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया था कि हमारी ये प्लेइंग इलेवन खेलेगी और अब है कि दूसरा मैच शुरू होने में अब सिर्फ 8-10 घंटे रह गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से कोई टीम का ऐलान ही नहीं किया गया। और ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत बड़ी वजह है। शायद इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर नहीं है, यही एक मेन वजह है। वरना अगर चीफ सिलेक्शन कमेटी ने 11 प्लेयर्स का नाम देना है, शफीक असद शफीक जो है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो वहां पर मौजूद होने की वजह आप कह सकते हैं कि प्लेइंग इलेवन उन्होंने ऐलान करना था। लगता यही है कि डिफरेंस है कि हो सकता है कि प्लेइंग इलेवन में कुछ तब्दीलियां करनी हो जिसकी वजह से कप्तान, टीम मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन है वो एक पेज पर ना पहुंचे हो। अब क्योंकि हमारे जराए ने जब पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से बात की तो उस वक्त हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है, क्या टीम में कुछ तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से आप टीम का ऐलान नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि कल हम टॉस से पहले टीम का ऐलान करेंगे। तो ये तो फिर बड़े हैरान कन बात है, वो टॉस के वक्त तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा ये टीम आज खेल रही है। पता तो पहले चलना चाहिए था कि आप दिलेर हैं ना, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको वहां पर बड़ा दिलेर हैं ना फैसला करना चाहिए था कि हम इस टीम के साथ मैदान में उतरे। अगर आपने टीम में कोई तब्दीली नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ना करें। आप जो शिकस्त खोर्दा टीम है जिसने लड़कर हारी है, जिसके बारे हम शादियाने बजा रहे हैं कि हमारी टीम ने लड़कर वहां पर हारी है, तो ऐसे में आप वही टीम अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो रख लें, आप उसी को मैदान में उतार लें। ये कौन सी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बेशक कल ऐलान करें, आप एक रोज पहले ऐलान करते हैं, फिर भी आपका ही ये टीम आपकी ही है, ये पाकिस्तान की टीम है, किसी की अकेले की नहीं है। अगर हम कहें कि रिजवान की टीम है तो ये रिजवान की टीम नहीं है। आप हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम यहां पर कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि पाकिस्तान टीम का जो तीसरा मैच है वो फैसला कुन मैच होगा और कल के इम्कानात पाकिस्तान टीम के वहां पर जीत के काफी रोशन है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टीम ने ओपनिंग नई जोड़ी खिलाई है, इसके साथ वो दीगर खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के खिलाफ मौका देना चाहते हैं और ये मौका देना भी चाहिए। देखिए, अपनी होम ग्राउंड ही होती है जहां पर हम नए खिलाड़ियों को या अपने नए टैलेंट को उनके हरीफ टीमों के खिलाफ मौका देते हैं, तो वहां पर वो परफॉर्म करते हैं और फिर नेशनल टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सीरीज के फौरी बाद जो भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और वो टेस्ट सीरीज भारत के लिए इतनी अहम है कि 5 टेस्ट मैच उसमें भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने खेलने हैं और उसमें से अगर 4 टेस्ट मैच भारत जीतता है तो भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, तो जो अगले साल खेला जाना है। तो लिहाजा भारतीय टीम के लिए बड़ा ही एक सख्त चैलेंज हुआ है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिसमें उसको 4 टेस्ट मैच जीतने हैं जबकि वो अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार रही है। तो ऐसे में बहुत सवालिया निशान है भारतीय टीम पर भी, लेकिन कोई बात नहीं, भारत जाने ऑस्ट्रेलिया जाने उनका अपना मामला है। हम तो अपनी टीम की बात करेंगे, हम तो मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे, हम एडिलेड में बाबर आजम की बात करेंगे कि बाबर आजम को इस मैदान में रन करने चाहिए। बरकर उनको
इस दौरे में एक अभी दो मैच हैं वनडे के, एक सेंचुरी जो बनानी चाहिए, और अगर इसी मैच में वो बना लेते हैं तो मैं समझता हूं जो कप्तानी पर उन्होंने अपनी कप्तानी खुद छोड़ी है तो उस पर मैं समझता हूं कि वो काफी हद तक बाबर आजम ने अच्छा फैसला किया है। और आप रिजवान उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पिछले मैच में रिजवान और बाबर ने स्कोर किया था, दोनों की जोड़ी ने एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 150 तक पहुंचा था, और भला करे अल्लाह ताला नसीम शाह का जिसने नीचे आकर चार छक्के लगाए और पाकिस्तान टीम अपने 40 रन बनाए और पाकिस्तान को 200+ रन बना दिए। तो ये कुछ होते हैं छोटी छोटी आप पार्टनरशिप बनाएंगे तो फिर आप बोर्ड पर बड़े रन बनाएंगे, लेकिन वनडे क्रिकेट में 300 रन से कम अगर रन बनाते हैं तो उनका दिफा करना दुनिया की किसी बॉलर के पास मुमकिन नहीं है। हां मास वाय इसके कि आपका बॉलर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर कोई परफॉर्मेंस दे जाए जिससे पाकिस्तान टीम जीत जाए, या कोई भी बरकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे सीरीज है उसका कांटेदार मुकाबला कल भी देखने को मिलेगा। जुमे के रोज ये मैच खेला जाएगा, एडिलेड ओवल का मैदान है और जहां पर ये दोनों टीमें टकराएंगी। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान टीम यहां पर अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरी अगली वीडियो तक मेरे साथ, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान किस 11 के साथ मैदान में उतरा है। टॉस होगा, टॉस के बाद मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।